चलो चलो आ जाओ चीची खाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लव बर्ड्स, आटे का कड़ा। एक्चुअली मेरा काफी दिनों से मन था कि कड़ा खाने का, और मैंने मम्मी को कहा भी था, तो मम्मी ने आज मेरे लिए बना दिया क्योंकि मैं कल जा रही हूँ। oh, no. तो कोई ना, जुनू से मिलूंगा। और अब मैं खाने लगी हूँ। मुंह में पानी लाओ। बहुत गर्म है तो बहुत टेस्टी है। इसमें मम्मी ने डाला शक्कर, क्योंकि चीनी वाला मैं खाती नहीं। 1,000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 ,
जा रहे हैं अपर लिप्स और थ्रेडिंग करवाने क्योंकि कल मैं चली जाऊंगी वापस, और मैं सोची एंजल्स के लिए भी कुछ ले जाऊं। फिर जब मैं आऊंगी वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, अभी छोटे छोटे हैं तो उनके लिए भी कुछ लेके जाऊं। चलो चलते हैं। चलिए एंजल्स के लिए भी कुछ लेना है। मैं सोची पेडिग्री ले लूं, नाले जुनू ले लूंगी। अगर मैं पेडिग्री लेती हूँ तो उनका फर्स्ट टाइम होगा पेडिग्री खाने का। पता नहीं उन्होंने कभी पेडिग्री खाई नहीं है वैसे, क्योंकि उनको मोस्टली लोग जो हैं वो रोटी और दही या फिर कच्ची लस्सी देते हैं। पहले तो हम अपना काम करवाएंगे, फिर उसके बाद हम पेडिग्री लेंगे या फिर कुछ और लेंगे। तो ये लव बर्ड्स बैठे हुए हैं, लव बर्ड्स। और ये है जामुन का पेड़। सुबह जब मैं सैर करने गई थी ना, यहाँ पर इतने जामुन थे ना, बहुत ज़्यादा। और ये आप देख सकते हो कितने जामुन हैं। दो आंटियाँ आती हैं, वो थैले भर भर के लेके जाती हैं, और मम्मी भी लेके गए थे मेरे लिए। बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा। मेरी डॉग्स की टोली पता नहीं क्या खा रहे हैं। ए नाने ओ की खांडे। ये एंजल्स की नानी है, बाकी ये ब्रदर है, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ही है वैसे। बाय। ये पता नहीं पेड़ को क्या हुआ है। बस हम पहुंच गए, बस पहुंचने ही वाले हैं। अब पहुंच ही गए, सो थैंक गॉड अभी बिजी नहीं है। सुबह हम आए थे तो थोड़ा बिजी थे, सो हमने सोचा कि शायद आज हम ना करवा पाए, पर अभी बिजी नहीं है सो करवा लेंगे। बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और अंदर आके थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एसी लगा हुआ है। अच्छा लग रहा है, नींद आ रही है। अभी हम फ्री हुए हैं वहाँ से और अब जा रहे हैं बच्चों के लिए कुछ लेने। पता नहीं अंधेरा ना आ रहा हो, क्योंकि लाइट यहाँ तो कमी है और शाम के 8 बजे है, काफी लेट हो गई हूँ मैं। पता नहीं यहाँ पेडिग्री मिलेगी या नहीं। ये पेडिग्री है क्या? पेडिग्री डॉग्स के लिए नहीं पता, डॉग्स के लिए मिलेगा कुछ। एडल्ट, एक एडल्ट के लिए चाहिए। पपी के लिए एक ही है। जो मेरे चाचा जी मुझे 100 रुपीज दे के गए थे, उसमें से 80 रुपए के तो मेरे पेडिग्री ही आ गए थे। प्यारी ड्रेस है ना, सोनी है ना। तो हम जस्सी के लिए पेस्ट्री ले लेते हैं। मैंने जस्सी को कॉल की थी और पूछा कि उसने खाना किया है, तो कहता पेस्ट्री लेके आ जाओ। कितने का है? 40 का जी। ये भी 40 की है? हाँ जी। और ये? ये 30 की है। यही दे दो एक। है? नहीं पैक कर दूंगी। अभी हम जा रहे हैं घर, तो मम्मी को दिखे कुर्ते, तो अभी हम कुर्ते देखेंगे। बस देखनी है, लेना तो कुछ नहीं है। कुर्ते तो ब्यूटीफुल है ये। तो पहले मैं घर जाऊंगी, फिर उसके बाद पेडिग्री और रोटी लेके वापस आऊंगी। कुछ
पता लग गया, मैंने होली से बोला था अरे लेके आई। ओहो मैं कुछ लेके नहीं आई। बच्चों छोड़ो, चलो चलो भागो 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 भाई, मैं लेके आंदी हूं, लेके आंदी हूं, बाय बाय बाय। अबे यार ये छोड़ नहीं रही। अबे जाऊंगी तभी आऊंगी ना, तभी आऊंगा, जाऊंगा तभी आऊंगा, है ना। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया बच्चों से, अब जल्दी जल्दी मुझे उनके लिए कुछ लेके आना पड़ेगा। अभी वैसे पीछे तो नहीं आ रहे। एक्चुअली हमने दूसरी पेस्ट्री करवाई थी 40 वाली और उसने हमें 30 वाली दे दी। हमने देखा भी नहीं, हमने सोचा कि चलो उसने 40 वाली ही की हुई। हम करके वापस देके आएंगे, चेंज करने जा रहे हैं। तो मैं और जैसी अब चेंज करने आने जा रहे हैं। ये खानी हो पूछता लो, क्या पता खाने दे देंगे। बच्चे वेट कर रहे हैं पर पहले हम चेंज करा के आएंगे, फिर उसके बाद फिर मैं बच्चों के पास जाऊंगी। इसका नाम क्या रखा था हमने? परी। नहीं क्या रखा? परी नहीं, परी नहीं था। नाम लेने से स्टार्ट हो गई। चलो चलो। हाँ यार अटिका में बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवा। बच गए हैं, अब मैं बच्चों के लिए लेके जा रही हूँ। बेचारे वेट कर करके सो गए होंगे। अबे यार बोला ही नहीं जा रहा। सो बैक टू एंजल्स क्यूटी। ओए 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 चलो चलो आ जाओ चीची खाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खुशी देख रहे हो इनकी? हाय हाय सोनू। हां जी सबको प्यार कर लूं, 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 फिर पता नहीं कब मिलूंगी मैं। सबको पार कर लो, तुम बड़े बड़े हो जाओगे। ध्यान रखे अपना, ठीक का नाने हो, ध्यान रखे अपना, ठीक का। आई लव यू एंड मिस यू, ठीक का, ध्यान रखियो। बाबा जी सारे नू चढ़दी कला च रखो। अभी मैं घर आई और बच्चों को अच्छे से खाना दे दिया था। काफी खेल रहे थे, बड़ी मस्ती कर रहे थे वो, और मेरे पीछे आने की कोशिश कर रहे थे पर किसी तरह मैंने उन्हें रोका और कहा कि जाओ जाओ। वैसे तो वो मानते नहीं है। आज के दिन पता है मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सीखी है कि जो एक्सपीरियंस होते हैं ना वो मिस्टेक्स से ही बनते हैं। तो अगर आपसे कोई भी गलती हुई है तो आप सॉरी बोल दो, जिसको हर्ट किया उसको हग कर दो, आपके जो भी मन में ग्रजिज है वो दूर कर दो, क्योंकि जो लाइफ है वो लाइफ का मीनिंग ही लव है। तो अगर आप किसी के लिए ग्रजिज नहीं रखोगे तो आपको ही ज्यादा लाइट फील होगा, क्योंकि अगर आप किसी के लिए ग्रजिज रखोगे मन में तो आप काफी भारी भारी फील करते हो, आपका मूड भी सही नहीं रहता। पर जैसे आप दूसरे बंदे को हग कर लेते हो या फिर सॉरी बोल देते हो, एकदम से आपका मूड भी सही हो जाता है, दूसरे बंदा भी स्माइल करने लग जाता है, जिससे काफी अच्छा माहौल बन जाता है। और सॉरी भाई, अरे कोई बात नहीं, तो आप खा सकते हो पेस्ट्री। मुझे लगा आप मेरी वजह से नहीं खा रहे हो, क्योंकि मैंने जस्सी के लिए पेस्ट्री ली थी। नहीं मैं एक्चुअली इसलिए नहीं खाई, मैंने मैंने सोचा दीदी आ जाएगी तब खाएंगे, मैं आपका वेट कर रहा था। मम्मी से ही पूछ रहा था, मम्मी ने कहा खा ले, मैं कहा दीदी आएगी तब खाऊंगा। आप मुझे इमोशनल कर रहे हैं। चलो हम खाते हैं, जब तक आप भी अपने घर में खाओ पियो ऐश करो मित्रों। बाय। फाइनली Finally. कड़ा अंधेरा हो गया है एंड सुनसान गली।